वालेकुम गाइस, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे आज भेजी है। हर साल ही भेजती है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। मेरी फ्रेंड का नाम है शाहिश्ता। हर साल मुझे ये डब्बा आता है उनकी तरफ से, और इसमें है, देखो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह सा अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ा, मटन खिचड़ा, और देखिए साथ में ये प्याज है फ्राइड वाले, और एक फुल नींबू, जिसके बगैर खिचड़ा इज इम्पॉसिबल गाइस। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर दिस खिचड़ा। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो आप सब? मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। तो आज है जुम्मा, तो आज मैं बना रही हूँ मटन की मुरादाबादी बिरयानी। पुलाव भी बोल सकते हैं, बिरयानी भी, बट बिरयानी स्टाइल में ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने पहले कभी नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून। और अभी मैं इसमें ये कच्चा मटन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.25 किलो मटन है, 1.25 किलो से 1 किलो होगा, लेकिन 1/2 किलो से तो ऊपर ही है। तो सभी इसकी हम लोग अच्छे से, इसको अच्छे से हम लग भून लेंगे, इसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट हो जाए। अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्ची। ये 10 हरी मिर्ची है, लाइट ग्रीन कलर की, ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम तीखी है। आपको जितना चाहिए आप तेज़ डाल सकते हो। मेरे घर में ज़्यादा कोई तेज़ खाता नहीं हमारे घर में, इसके लिए मैंने इतनी डाल दी आज से बस। और दालचीनी का स्टिक मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा सा ही डाल दूँ। और ये 4 से 5 तेज़ पत्ते जाएंगे। देखिए ब्लैक कलर की इलायची, इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको मटन में पूरा अच्छे से मिक्स कर दूंगी गोश्त में। फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको भी अदरक लहसुन के साथ और गरम मसालों के साथ अच्छे से भून ली हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक मुझे इसे, हमें इसे भूनना है अच्छे से। मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि मैंने गोश्त में, कच्चे गोश्त में कुछ भी ऐड नहीं की थी। अभी मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। भून चुका है और उसने अपना पानी भी रिलीज कर दिया, और अभी मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी ऐड करूँगी। और अभी मैं इसको लगा देंगे, और 1 से 2 सीटी बहुत हो गए, इनफ हो जाएगी। मैंने प्रेशर कुकर लगा दी हूँ। हम इसमें थोड़े से गरम मसाले लेंगे खुशबू के लिए। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून बड़ी सौंफ ली हूँ, और ये एक और आधा पीस का जावित्री का टुकड़ा है, और ये 8 से 10 हरी इलायची है, और ये धनिया है 1 टेबल स्पून धनिया, और ये छोटा सा जायफल का पीस है। मेरे पास इतना ही था अवेलेबल। तो अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना देंगे। ग्राइंडर में मैं रफली चॉप, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ले लिया है, जो मैंने रफली चॉप्ड कर दी हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको पीस लूँगी, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी बारीक पेस्ट। ये अच्छे से हो गई है, और ये मेरा मसाला भी जो मैंने ग्राइंड करी थी वो भी अच्छे से मैंने भून के ग्राइंड करके एक साइड में रख दी हूँ। अभी मैंने एक टोप चढ़ा दी हूँ गैस पे, अभी मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। हो चुका है फ्रेंड्स। सो अभी मैं इसमें एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया अच्छे से। एक बड़ी इलायची, 3 से 4 तेज़ पत्ते, एक खड़े गरम मसाले हैं, और 1 टेबलस्पून काली मिरी,
और एक और 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये दालचीनी। दालचीनी की क्वांटिटी आप और ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज़ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं कम कम डाल रही। तो इसमें 3 से 4 दालचीनी के बड़े टुकड़े भी जाएंगे। तो अभी मैं इसमें गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ऐड कर दूँगी। तेज़पत्ता, फ्लेम को थोड़ा हाई ही रखूँगी, और ये काली मिर्ची, और ये दालचीनी का स्टिक, और ये सफ़ेद ज़ीरा। दालचीनी का स्टिक आप और बढ़ा सकते हो इसमें, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। और ये ज़ीरा, इसको अच्छे से थोड़ा सा मसाला तड़क जाए फिर हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को भी अच्छे से भी भून लेंगे। ऑनियन को मैं हम लोग अच्छे से भून लेंगे। अभी अच्छे से प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है उसको भून के, तो अभी मैं इसमें ये जो ऑनियन की प्यूरी थी वो भी ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ में। अभी मैंने लिए ये 10 रुपये वाला दही है अमूल का, तो वो भी 1 कप पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इतना मेरे लिए इनफ हो जाएगा। इसमें दही ऐड कर दूँगी, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ताकि दही का भी थोड़ा कच्चापन स्मेल जो है वो चले जाए। अभी फ्रेंड्स मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटो ली, उसको फाइनली मतलब नॉर्मली चॉप्ड कर ली। 3 मीडियम साइज़ के टमाटो ली, उसको काट ली हूँ, और अभी मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँगी टमाटोस। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और अभी ये जो खुशबू के मसाले मैंने बनाई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें ना मिर्ची का अचार भी जाता है, जो मेरे पास अभी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मिर्ची का अचार मैंडेटरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इंशाल्लाह डालूँगी। उसको भी अच्छे से भून ली नमक और ये मसाले सब डाल के। मेरा यखनी का जो मटन की यखनी है वो अच्छे से हो गई है, और इसमें ही थोड़ा 1 से 1.5 कप तक पानी है, वही हम इसमें भी अच्छे से भून गया है। मेरे खेत को अच्छे से भून के हो चुका है, बस अभी इसमें ऐड कर वही यखनी का पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हम लोग ने अजमेर शरीफ में बहुत खाए थे फ्रेंड्स, मुरादाबादी बिरयानी। आज आप अजमेर शरीफ जाओगे तो आपको वहाँ पे जगह जगह पे मिलेगा, बट कहीं कहीं अभी क्वालिटी बराबर नहीं है। अभी हम लोग ने न्यू शॉप खोला था, वहाँ से खाए थे चिकन की और मटन की दोनों की, तो बहुत ही यम्मी और लाजवाब थी। और अभी ये देखिए, ये एक्चुअली यूपी की है ये बिरयानी फेमस, बट वहाँ पर इसका टेस्ट अच्छा मिल जाता है, जैसे वहाँ के लोग बनाते हैं एक्चुअल टेस्ट मिलता है। इसका ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है, अभी इस स्टेज पे मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। मैं मटन भी ऐड कर दी हूँ, बस अभी इसको मटन को भी अच्छे से इसमें भून लूँगी। स्टेज पे भी नमक वगैरह मैं एक बार चेक कर लूँगी, और तीखा कितना है, नमक क्या है, ताकि थोड़ा बहुत कुछ रहेगा तो हम ऐड कर सकते हैं। सब प्रॉपर है, अभी मैं इसको थोड़ा देर के लिए लीड लगा के सबको अच्छे से पकने दूंगी 10 मिनट के लिए। मैंने बासमती चावल ले लिए हैं, 1 किलो है ये पूरे, सो मैंने अच्छे से 3 पानी से वॉश कर ली हूँ, और इसको भीगे हुए ही रहने दूंगी। और अभी ये मेरा
हो गया है, मटन भी हमारा रेडी हो रहा है, अच्छे से कुक हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैं 4 से 5 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी, इसमें चावल पूरे सोख हो जाए अच्छे से। जग से मैं पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा फ्रेंड्स तो ये चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, मैंने मोस्टली इसमें से पानी निकाल ही दी हूँ, थोड़ा थोड़ा है, इसको भी ड्रेन कर देंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए राइस में। क्या क्या है फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें बिस्मिल्लाह बोल के राइस डाल दूँगी, इसको मिक्स कर दूँगी इसमें। के लिए छोड़ देंगे राइस और मटन को, मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से नमक वगैरह भी बराबर है। मुरादाबादी पुलाव या बिरयानी जो भी आप कह सकते हो वो रेडी हो चुकी है हाफ मोस्ट। अभी मैं इसमें ये थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केवरा एसेंस मिला दूँगी, इससे है ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें, तो ये बस थोड़े से ऐड कर देंगे। और अभी मैंने ली है दूध, दूध के अंदर मैं ये फूड कलर ऐड कर दूंगी। नॉर्मली हम लोग पानी में करते हैं बट इसमें हम लोग दूध में करेंगे। अभी ये जो फूड कलर है वो भी मैं इसको ऐसे ऐड कर दूंगी, दूध के साथ में मिक्स किया था मैंने। इस मुरादाबादी बिरयानी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने दूध के साथ फूड कलर ऐड कर दी थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें मुरादाबादी बिरयानी के साथ ये टमाटो की चटनी भी बना लूँगी। सो मैंने इसमें लिए है 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको मैंने काट ली हूँ। और अभी मैं 3 से 4 लाल मिर्ची डाल दूँगी, ये फीकी वाली है, और थोड़े से लहसुन, लहसुन की कलियाँ, और थोड़ा नमक। मुरादाबादी बिरयानी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू भी आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। और ये टमाटो की चटनी भी रेडी हो गई है इसके साथ में खाने के लिए, और नींबू साइड में।